हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम साइंस एंड टेक के काफ़ी सारे पिलर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ हमने आईटी एंड कम्युनिकेशन भी कवर कर लिया है, और उसके साथ साथ हमने न्यूक्लियर साइंस भी कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड उसका बेसिक और उसके बेसिक से रिलेटेड कुछ भी जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं एज पर द एग्ज़ाम ऑफ द यूपीएससी, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अगर इन फ्यूचर उन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी न्यू टर्म्स आती हैं तो हम उसे डेफिनेटली करंट अफेयर में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्यों इसका रोल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आपको पता होगा कि नैनो साइंस का यूज़ आप हर जगह देखते हैं, चाहे आपको आईटी एंड कम्युनिकेशन जो है, जो कि अभी क्या है, अभी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा था जब हमने लास्ट जो आईटी में टॉपिक डिस्कस करे थे, उसमें हमने ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करा था। लेकिन उसमें हमने ये देखा था कि वो जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी क्या है, ट्रेंडिंग है, लेकिन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो गई हैं कि वो हर एक घर में हो। लेकिन हमारी नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और उसे हम हर घर में यूज़ करते हैं, और आज के टाइम में हम हर जगह उसका यूज़ देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या नैनो साइंस में है, और इससे साथ साथ सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसकी। नेक्स्ट इज अवर स्कोप ऑफ द वीडियो। स्कोप ऑफ द वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कोप ऑफ द वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका एक सेकेंड हाँ सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों से थोड़ा बहुत हमें आइडिया रखना जरूरी है, ये बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, इनका भी ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। क्यों, कहीं ना कहीं कई बार ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल सी मैं बात करूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि नीति आयोग चलाता है, या आपके बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाते हैं, तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्या कर दिया जाता है, एक स्टेटमेंट बना दी जाती है। तो इसीलिए हमारे को मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो पढ़ना जरूरी है, और एक ब्रीफ या आइडिया ही ले ले, वही इनफ है हमारे लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में नैनो साइंस कितना नैनो है, यानी कितना स्मॉल है, कितना छोटा है। क्यों, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है, क्योंकि हम देख नहीं सकते नैनो साइंस को, ठीक है। नैनो साइंस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो हम मार्केट में हम अवेलेबल हैं, लेकिन एक्चुअल में जब नैनो साइंस किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके जब काम करता है तो वो कैसे काम करता है, उस चीज़ को हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि नैनो साइंस जो है, नैनो साइंस में कितना स्मॉल, जो अगर उसको यानी किसी प्रोडक्ट को कितना स्मॉल करा जाए कि वो एक्चुअल में अपने नैनो स्केल पे जाकर जो एक्चुअल उसकी प्रॉपर्टीज़ सामने आती है वो सारी किस लेवल पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ें चेंज होती हैं, इतने छोटे लेवल पे जाने के बाद वो किस तरीके से चेंज होती हैं। उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे और उसके साथ साथ उनकी एप्लीकेशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इनके टाइप्स हैं, बेसिकली टाइप्स में ग्रेफीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स और फ्लोरीन, ये सारी हम क्या करेंगे, हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम आपका कौन कौन से मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, चलिए देखते हैं। दिस इज योर मिनिस्ट्री, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हमारी जितनी भी मिनिस्ट्री साइंस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जैसा कि हमने बात करी थी न्यूक्लियर साइंस, लेकिन वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, वो इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, दैट इज अवर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और उसी से रिलेटेड हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो भी हमारी बेसिक साइंस से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होती है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ही, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही क्या करती है, अपनी सारी पॉलिसीज बनाती है, और इसके अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी, यानी उसकी जो क्रिएशन हुई थी, दैट वॉज इन
दैट वॉज इन योर 1971 में क्या हुआ था उसका आपकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। क्यों ध्यान में रखते हो? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें साइंस एंड टेक प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर मैं एक जनरल बात करूँ, अगर जब हमारा हमारी जो डेवलपमेंट लिबरलाइजेशन आया है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे पॉलिसीज में चेंज आई थी, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल ये था कि हमने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है या एग्रीकल्चर बढ़ाना है। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे को किस चीज की जरूरत पड़ी थी सबसे पहले कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है, कौन कौन से हमारी साइंस यानी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी इन चीजों में डेवलपमेंट के लिए। यानी अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कार डेवलप करनी है या कार बनानी है या उसके एडवांस वर्जन बनाना है, तो मुझे किस किस तरीके की मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था इन पास्ट। लेकिन अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करा गया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री बनाई गई, ताकि जो भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए हम क्या कर सके, उसे यही डेवलप कर सके। पास्ट में हमें वो सारी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती थी, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोई मशीनरी है, या चाहे कोई भी इनोवेशन है, वो हमें बाहर से ही क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन एट दी एंड इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, इनको यानी एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाई, ताकि वो इन चीजों के साथ डील कर सके और यहीं पर क्या हो सके, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सके, और उसके साथ साथ क्या हो सके, यहीं पर हम कुछ नया इनोवेट कर सके जो भी हमारी एनवायरनमेंट या हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद बेसिकली इसका जो रोल रहता है आपका प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का रहता है, यानी जो भी एडवाइजरी जाती है वो इन्हीं के थ्रू होके जाती है। यानी एक्चुअल में यही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्टर्स जो हैं ऊपर लेवल पे रहते हैं, लेकिन यही क्या करते हैं, यही एडवाइज़र आपको प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइजरी देते हैं और मिनिस्ट्री को भी देते हैं, और भी अदर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड कहीं पे भी साइंस एंड टेक का रोल रहता है, तो यही क्या करते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको यानी उनको एडवाइजरी देते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो मेन रोल बेसिकली क्या है, इवॉल्व पॉलिसी स्ट्रैटेजीज मिशंस टू सपोर्ट इनोवेशन एंड सिस्टम फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। उसके साथ साथ क्या है, इट फंक्शंस एज अ सेक्रेटरी टू द साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी टू द कैबिनेट। यानी जब ये कमेटी बनाई जाती है कैबिनेट में, तो ये क्या करते हैं, एज अ सेक्रेटरीट का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेन आता है, इसके तीन विंग्स यानी कौन कौन से विंग्स हैं, इसमें से हम इसमें अभी जो हम किस विंग की बात करेंगे, दैट इज आवर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ आपका बायोटेक्नोलॉजी है, वो हम कब डील करेंगे, जब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम जब उस पिलर को स्टार्ट करेंगे तब हम इस डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसके मेन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो भी आपके बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके जो मैंडेट्स हैं, उसने किस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, हम उसके बारे में देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इसकी मेन पेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बेसिकली पहला तो यही है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जितनी भी पॉलिसीज बनाने का काम इसी का है। उसके साथ साथ मैटर रिलेटिंग टू, जैसे कि मैंने बताया कि साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी टू द कैबिनेट, तो जितने भी मैटर होते हैं वही यही जो यानी यही डिपार्टमेंट क्या करता है, इसके जितनी भी एडवाइजरी जाती है वो इन्हीं के थ्रू जाती है। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ अदर जो डिपार्टमेंट है उनको हैंडल करते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मैंडेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वही हम यहां पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम कहां कब डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ प्रमोशन ऑफ न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एन इमर्जिंग एरियाज। ठीक है, तो ये सारी इसके क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके साथ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैविंग क्रॉस सेक्टरल, जैसे कि मैंने बताया क्रॉस सेक्टरल लिंकेज इन विच अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट्स हैव इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है, जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, अदर आपके मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पर भी क्या होता है, अगर मैं बात करूं हाईवेज की, तो हाईवेज में भी हमारे को क्या जरूरत है, साइंस एंड टेक की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमें क्या है, कुछ इनोवेशन लाना है या उससे रिलेटेड कुछ भी डेवलप करना है, तो हम क्या करते हैं, इसी ये जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो क्या करता है, उन चीजों से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एडवाइजरी देता है, या उसके अंडर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं या उनके अंडर में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके थ्रू क्या करता है, कुछ इनोवेशन लाता है, ताकि वो हाईवेज में किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या जो रोड्स हैं उनको किस तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज करा जा सकता है, या
उसी तरीके से कुछ भी इस तरीके की कोई भी एडवाइजरी जाती है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो है वो हैंडल करता है। उसके साथ साथ क्या है, अंडरटेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्पॉन्सरिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्वे रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेयर नेसेसरी। जैसे कि मैंने बताया कि अभी क्या है, जहां पर भी रिसर्च होगी वहां पर क्या होगा, उसको ये जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वही क्या करता है, अपनी बेसिकली फाइनेंशियली सपोर्ट करता है जिनको भी रिक्वायरमेंट है, या इनके अगर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करता है तो उसके अंडर भी जो भी प्रोग्राम लॉन्च होगा उसकी फाइनेंशियल जो हम जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रहती है। उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही क्या करते हैं, नई नई इनोवेशन लाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, तो उनको भी क्या करना है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है या ग्रांट्स देने हैं जिस तरीके की भी एज पर रिक्वायरमेंट, उनको जिस तरीके से जो भी चाहिए होता है वो सारा का सारा डिपार्टमेंट ऑफ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर मैंने दो तीन लिखे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हैंडल करने का काम, यानी उनसे रिलेटेड जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही हैंडल करता है। उसके साथ साथ बेसिकली जो इसकी अदर नीड्स क्या है, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे हमारे एरियाज जो है, बहुत सारे एरियाज कंट्री में इनसिक्योर है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है, तो ये डिपार्टमेंट भी वही हैंडल करता है। मैटर रिलेटिंग टू SNT कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक एट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट विलेज लेवल फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट थ्रू स्टेट साइंस एंड टेक काउंसिल एंड अदर मैकेनिज्म, और उसके साथ साथ इनकी एप्लीकेशन अदर फील्ड्स में कैसे करी जा सकते, तो ये सारी चीजें क्या होता है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैंडल करता है। बेसिकली मेन काम यही है मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन ला के क्या करा जा सके, हमारी कंट्री को डेवलप करा जा सके हर फील्ड में जहां पर भी साइंस एंड टेक का यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा, अगर हम बात करें एडवांस कंट्रीज की, अगर हम देखते हैं उन कंट्रीज को, उनकी बात करें कि अगर उनकी पॉपुलेशन की या उनकी अदर जो एस्पेक्ट्स हैं या रिसोर्सेज की, हम इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ही यही है कि वो साइंटिफिकली इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं कि उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनको इतने अच्छे से मैनेज करते हैं, इतने अच्छे से उनका यूज करते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि वो अपने आप को, यानी अपनी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें US की या रशिया की इकोनॉमी बहुत कम है, लेकिन उसने अपने आप को डिफेंस में इतना अच्छा कर रखा है कि वो क्या करता है कि डिफेंस का यूज करके वो क्या करता है, उन चीजों को एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट मीन्स यानी डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेन्स है या आपका मिसाइल्स है वो क्या करता है, अदर कंट्रीज को सेल करता है। तो वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस चीज में डेवलप कर रखा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जितनी ज्यादा उन्होंने इनोवेशन लेकर आए हैं उतना ही ज्यादा क्या हुआ है उन्होंने अपने आप को डेवलप कर रखा है, ठीक है। अदरवाइज वो कंट्रीज इतनी छोटी हैं, उनकी पॉपुलेशन, उनके रिसोर्सेज इतने कम है कि वो इंडिया के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है, ठीक है। तो ये सब क्या था, हमारा डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम बायोटेक की बात करेंगे तो वो हम जब बायोटेक पिलर स्टार्ट करेंगे तब उस टाइम हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के रिलेटेड जितनी भी मैंडेट्स या जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम सारी वहीं पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम बेसिकली नैनो साइंस पे। व्हाट इज नैनो साइंस? बेसिकली नैनो साइंस क्या है कि जब हम अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका साइज कितना होता है, उनका साइज होता है हार्डली 1 मीटर 2 मीटर। अगर मैं हद से ज्यादा बात करूं तो अगर हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उनका यूज 10 मीटर हो सकता है, यानी 20 से 30 फुट, ठीक है। तो अप्रॉक्स मैं जैसा आइडिया ले रहा हूँ 20 से 30 फुट के बीच में, ठीक है। तो अगर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात करें तो वो तो बहुत ऊंची हो जाती है, लेकिन हम वो बात कर रहे हैं नैनो साइंस की। अब नैनो साइंस किस लेवल पे काम करती है? नैनो साइंस काम करती है एट अ वेरी वेरी स्मॉल स्केल, यानी नैनो लेवल पे। अब नैनो होता कितना है ये चलिए देखते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नैनो साइंस इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मटीरियल्स ऑन अल्ट्रा स्मॉल स्केल, ठीक है। अल्ट्रा स्मॉल स्केल
क्या होता है, कितना होता है, वो अभी हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। एंड द यूनिक एंड द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज दीज मटीरियल्स डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि होता क्या है कि जब हम उस लेवल पे, अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन इन द सेंस आप देखते होंगे कि आपके डेली लाइफ में अगर कार्बन है या कोई अदर मटीरियल भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आयरन की या एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की, वो क्या है, नॉर्मल लेवल में क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है या नहीं है, थर्मली कंडक्टिंग है या नहीं है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये सारी जो उसकी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो ये सारे क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अब होता क्या है जब हम नैनो स्केल पे जाते हैं, हम नैनो स्केल पे कैसे जाते हैं वो भी अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हम नैनो स्केल पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वो क्या होती हैं, उनसे डिफर हो जाती हैं। ठीक है, वो देखेंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद आता है, इट इज बेसिकली द क्रॉस डिसिप्लिनरी मीनिंग साइंटिफिक्स फ्रॉम द रेंज ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, कंप्यूटिंग, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, आर स्टडिंग इट एंड यूजिंग इट बेटर अंडरस्टैंड अवर वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली यही है इसका मतलब कि नैनो साइंस हर फील्ड में यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं केमिकल्स की, तो केमिकल्स में भी क्या है, बेसिकली केमिकल्स चाहे आपके क्लोराइड्स हो तो वो भी नैनो स्केल पे हो सकते हैं, और अगर हम फिजिक्स की बात करें, कोई पर्टिकुलर मटेरियल है जो फिजिक्स में यूज होते हैं, तो वो भी क्या हो सकते हैं, नैनो स्केल पे हो सकते हैं। उसी तरीके से उनका जो यूज है वो अलग अलग पर्पज से करा जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। हमें क्या जरूरत है, उनको नैनो स्केल पे ले जाने की। नैनो स्केल पे ले जाने का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। उससे पहले हम टेक्नोलॉजी क्या होता है, बेसिकली टेक्नोलॉजी इज अवर इज द डिजाइन प्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर डिवाइसेस एंड सिस्टम ऑफ द नैनो स्केल। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है कि नैनो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस इज व्हाट, साइंस इज द स्टडी ऑफ आवर फिनोमिना ऑफ नेचर। ठीक है, कि किस तरीके से अलग अलग जो नेचर में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसके किस तरीके से वो काम कर रही है, उसको हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और वही बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से हम उस साइंस को डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा नैनो साइंस क्या होता है, कि किस तरीके से जो नॉर्मल लाइफ में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, अगर मैं उसे नैनो स्केल पे ले जाऊं, यानी मैं उसको इतना छोटा कर दूं कि वो नैनो लेवल पे पहुंच जाए, तो किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज द स्टडी ऑफ दैट मटीरियल। ठीक है, कौन सा मटीरियल, नैनो मटीरियल, वो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, नैनो साइंस। अब उस स्टडी का यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपना उसको डेली लाइफ में यूज कर सकें, तो उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। किस तरीके से हम उस नैनो साइंस के इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, दैट वी कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें पता है कि ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन के बिहाफ पे ही हमने क्या जान पाए हैं कि हम अपनी सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसको कैसे करना है, तो वो सारी जब चीजें हमने जानी, यानी हमने उसकी साइंस पढ़ी, तो हमने क्या करा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमने क्या करा, फिर बाद में हमने सैटेलाइट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने लायक बने। क्योंकि हमें जब पता चला कि ग्रेविटी है और ग्रेविटी इस तरीके से काम करती है, तो इस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, तो हमें पता चला कि हम जब यूज इस तरीके से कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, अपने रॉकेट्स का यूज करके हमने सैटेलाइट्स को वहां पर एस्टेब्लिश करा, और उसी सैटेलाइट्स का यूज करके हम आज के टाइम में हर जगह अपने फोन्स को, किसी भी डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में इंटरनेट ऑफ द थिंग्स का यूज होगा, वो ज्यादातर सैटेलाइट्स के थ्रू ही होगा। ठीक है, सैटेलाइट्स हो गई या और भी बहुत सारे जो हमने IoT में पढ़ा था। ठीक है, तो जो सैटेलाइट है वो भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, यहां पर नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ द नैनो मटीरियल्स, के किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम नैनो लेवल पे जब ले जाते हैं, तो किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, और उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करा जा सकता है, उनका किस तरीके से यूज करा जा सकता है एक डेली लाइफ प्रोडक्ट में बनाकर, तो उसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब नैनो स्केल होता कितना है, नैनो स्केल इज बेसिकली, जैसे अगर मैं बात करूं 1 मीटर कितना होता है आपको आइडिया होगा, या 1 सेंटीमीटर आपको पता होगा। ठीक है, आपने नॉर्मल डेली लाइफ में अपने घर में बहुत बार स्कूल के जब होमवर्क करते हो तो वहां पर आपने स्केल का यूज करा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर की बात करें, तो सेंटीमीटर पे हमारे क्या होता है, 10 जो यहां पर लाइनें बनी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, और जो 10 लाइनें होती हैं, अगर मैं यानी 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो वो जो एक सिंगल पार्ट होता है ये वाला, तो उसे कहते हैं हम मिलीमीटर। ठीक है,
तो ये मिलीमीटर है। अगर मैं अब मिलीमीटर को कितने से डिवाइड, एक मिलीमीटर यानी जितना, ये जो एक मिलीमीटर आपको नजर आ रहा है छोटा सा पॉइंट, तो वहां पर अगर मैं इस छोटे से पार्ट को 1000 parts में डिवाइड कर दूं, ठीक है 1000 parts में, तो वो क्या होता है, उसका एक सिंगल पार्ट जो होगा वो कितना रह जाता है हमारा, माइक्रोमीटर। समझ आई मेरी बात? यानी आप क्या कर रहे हैं, उस छोटे से स्केल में जो एक मिलीमीटर जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने क्या करा, उसको 1000 parts में डिवाइड करा, तब जाके मेरे पास क्या आया, एक माइक्रोमीटर, यानी उसके एक पार्ट को, ठीक है, यानी उस 1000 जो डिवाइड कराया मैंने, उसके एक सिंगल एक पार्ट को मैं कितना कहूंगा, आपका माइक्रोमीटर। और जैसे ही उस सिंगल माइक्रोमीटर को मैं अगेन 1000 parts में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, दैट सिंगल पार्ट विल बी कॉल्ड नैनोमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से क्या होता है, यानी इतना छोटा होता है नैनोमीटर। तो आपने नॉर्मल डेली लाइफ में देख जो देखते हैं, तो वो तो कितना होता है, सेंटीमीटर्स में होती हैं चीजें, या मीटर्स में होती हैं, या फुट में आप जो मेजर करते हो, अगर आप नॉर्मली देखते हो आप अपने घर में, अगर मैं फोन की बात करूं तो उसमें आप जब से पहले स्क्रीन देखते हो तो दैट इज 6.5 inches, ठीक है, दैट इज आपका 6.5 inches, मींस उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस सेंटीमीटर को मैं क्या करूंगा, वो सेंटीमीटर, वो जो सेंटीमीटर है वही आपका स्केल वाला सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं उस एक सेंटीमीटर के 10 parts कर देता हूं, तो 10 parts करने के बाद एक पार्ट जो होता है उसे मिलीमीटर कहते हैं। फिर उसके बाद मैं अगेन उस मिलीमीटर को 1000 parts में डिवाइड कर दो, और उसका जो एक सिंगल पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड माइक्रोमीटर। और अगेन उस एक सिंगल माइक्रोमीटर को मैं क्या करूं, 1000 parts में डिवाइड कर दो, तो वो एक सिंगल जो पार्ट होगा दैट वी कॉल्ड नैनोमीटर। तो इतना ज्यादा छोटा होता है हमारा नैनोमीटर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर लिखा हुआ है, नैनो स्केल इज डायमेंशनली रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 to 100 nanometer, यानी 1 to 100 nanometer मींस जो हमने माइक्रोमीटर को 1000 parts में डिवाइड करा था, तो यानी एक पार्ट से लेकर अगर मैं 100 parts तक जाता हूं, तो उस रेंज को अब क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा होता है हमारा नैनोमीटर। तो नैनोमीटर इज बेसिकली 10^-9 meters, ठीक है, दैट इज द 1000 times ऑफ माइक्रोमीटर एंड 1 billion times ऑफ अ मीटर, ठीक है। तो यही होता है हमारा नैनोमीटर। अब सबसे बड़ी चीज जो आती है हमारे सामने कि किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, अगर आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं तो जो हमारा डीएनए होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 nanometer होता है, और उसके साथ साथ जो हमारे आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन एटम्स में, तो वो कितने होते हैं, 7 nanometers के होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं तो वो कितने होते हैं, 7000 nanometers के। और उसके बाद बात करूं मैं, अगर हमारा जो शीट ऑफ पेपर की जो थिकनेस होती है, अगर आपकी एक छोटी जो शीट्स होती हैं, अगर आपने अगर आप लेकर बैठे हो तो वो जो शीट है तो वो कितनी होती है, दैट इज योर अप्रोक्स 75000 nanometer। तो यानी आप सोच सकते हैं कि एक नैनोमीटर कितना छोटा होता है। और अगर मैं उसको रियल वर्ल्ड से कंपेयर करूं तो दिस इज जस्ट लाइक दिस, यानी आपका एक डीएनए को अगर मैं डीएनए जितना भी उसका साइज होता है उसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एक बैक्टीरिया आता है, और उसको अगेन मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल बी एक सिंगल रेन ड्रॉप। उसी तरीके से एक सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब को अगर मैं क्या करूं 100000 times से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, एक थिकनेस आती है मेरे बाल की, और अगेन उसको 100000 से मल्टीप्लाई करूं तो दैट इज द हाउस ऑफ 10 meters, ठीक है। तो इतना होता है हमारा नैनोमीटर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि नैनो स्केल जो सबसे बड़ी बात होती है कि भाई उस लेवल पे जाना, यानी अगर मैं किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूं, दैट मींस डेफिनेटली क्या होना जरूरी है कि हमारे पास मैं उस चीज को ले जा सकूं, उस छोटे से चीज को। यानी अगर मैं एक सिंपल सी की बात करूं, अगर मेरे हाथ में कोई पेपर है या कोई भी मटेरियल है, अगर मेरे हाथ में सॉल्ट है तो सॉल्ट की भी थिकनेस कुछ ना कुछ mm में होगी, लेकिन अगर मैं उसे नैनोमीटर में ले जाना चाहता हूं तो अगर मैं उसको ले जाना भी चाहता हूं तो देखूंगा कैसे, ठीक है। एक्चुअल में ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, नेचुरली भी एग्जिस्ट कर रही है और आर्टिफिशियली नेचुरली भी हमेशा से थी वो चीजें, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनके बारे में रिसर्च करी तो क्या हुआ, उनको पता चला कि इस तरीके की चीजें होती हैं, इस तरीके से वो प्रॉपर्टी शो करते हैं और इनका हम ऐसे यूज कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये जाना कि अगर कोई चीज नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, उसको खुद से भी बना सकते हैं। और जब खुद से बना सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनका खुद से बना के एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसका यूज भी कर सकते हैं,
ठीक है, देखेंगे कि उनके बेनिफिट्स होते क्या है बेसिकली। तो दिस इज आवर वर्ल्ड, दिस इज आवर बेसिकली द वर्ल्ड ऑफ नैनो साइंस, जिसे हम कहते हैं नैनो साइंस वर्ल्ड, नैनो वर्ल्ड, ठीक है। और उसके जो कंपेयर में अगर मैं बात करूं हमारे रियल वर्ल्ड की, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू अवर रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नैनो स्केल। अब तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम उसको देख कैसे सकते हैं, तो सबसे पहला यही आता है, क्या हम उसको मैग्नेटिक फ्लाइंग ग्लास से देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम अगर मैं नैनो ग्लास, नैनो मैग्नीफाइंग ग्लास की मैं बात करूं, तो अगर आपने अगर बचपन में उसे यूज करा होगा तो वो हार्डली क्या करते हैं, आपके जो सामने कुछ लिखा हुआ है या आपके सामने कोई छोटी सी चीज है तो उसको थोड़ा बहुत बड़ा कर देता है। तो क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो क्या हम आपके माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से हम काफी चीजें देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नैनो स्केल लेवल की चीजों को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये जो आपका आपका जो बेसिकली माइक्रोस्कोप जो होता है वो आपको क्या करता है, बेसिकली माइक्रोमीटर लेवल तक की चीज़ों को ही क्या करता है, शो कर पाता है। यानी माइक्रोमीटर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं 1 mm को क्या करूं, 1000 parts में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड 1 micrometer, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, इस इतने लेवल तक को क्या कर सकता है हमारा माइक्रोस्कोप, क्या कर सकता है, देख सकता है, यानी इतना वो चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकता है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, कि हम अगर जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, दैट इज अवर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप जो कि रिसर्चर ने खुद मतलब स्पेशली इन चीज़ों को ही देखने के लिए बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है हम उनको रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अगर आप देख पाते हो तभी क्या कर पाते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हमें पता है तभी हम यूज़ करते हैं। अगर मेरे पास कोई मेडिसिन है, अगर मुझे पता है कि ये सरदर्द के लिए है तो वो सरदर्द ही ठीक करेगा, अगर वो फीवर के लिए है तो वो फीवर ही करेगी, तो मुझे पता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसीलिए वो मुझे क्या करना जरूरी है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है, उनको देखना जरूरी है, तो उनको ऑब्जर्व करना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा है साइंटिस्ट ने, इस तरीके के क्या बनाए हैं, बेसिकली माइक्रोस्कोप बनाए हैं। वो क्या करते हैं, वो छोटी सी छोटी चीज को भी क्या कर सकते हैं, छोटी सी छोटी चीज को भी क्या कर सकते हैं, आपका बहुत ही लार्ज लेवल पे दिखा सकते हैं। यानी वो एक छोटी से छोटी चीज को 1 million time तक क्या कर सकते हैं, वो 1 million time तक चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं 1 million times। आप सोच सकते हैं कि 1 million times यानी एक वो नैनो लेवल की जो वर्ल्ड की जो चीज होगी, नैनो वर्ल्ड में जो एक चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं इन माइक्रोस्कोप का यूज करके। दैट इज अवर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके अलावा जो हमारे अदर माइक्रोस्कोप्स हैं, दैट इज अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि आप लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे होंगे, या जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो उसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अवर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि किस तरीके से जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो किस तरीके से छोटी चीज़ों को क्या करता है, एनलार्ज कर देता है, यानी मैग्नीफाई कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, वो हमारे जो छोटी से छोटी जो चीज़ है हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ बेसिकली आपका साइंटिफिक साइंटिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इन चीज़ों पर नहीं जाएंगे। तो हमारे लिए क्या जानना जरूरी है कि किस तरीके से हम इन्हें देख सकते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर इनसे रिलेटेड कोई न्यू डेवलपमेंट हमारे सामने आती है तो डेफिनेटली हम इनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ जरूर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट ये काफी टाइम से चीजें यूज हो रही हैं और हमें इनके आगे फर्दर इनकी जो स्टडी है वो एक्चुअल में क्या करती है, एक पर्टिकुलर लाइन में हमें ले जाती है, और हमें उसके लिए डिफरेंट ही क्या करना पड़ेगा, बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ जाएंगी। तो बेटर यह है कि हम इन चीजों पर ना पढ़े, बेटर यह है कि हम अपना यूपीएससी पे ही उन चीजों पर ही ध्यान दें जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जरूरी है। तो एक जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूं मैं कि हम किस तरीके से हम नैनो स्केल की चीजों को देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं हमारे को नैनो स्केल के, यानी नैनो स्केल लेवल पे हमारे को क्या कर सकते हैं, चीजों को दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से नैनो स्केल पे जाने पर चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा भी है कि अगर मैं बात करूं गोल्ड की, अगर गोल्ड को अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो इट इज येलोइश नेचर, ठीक है,
दैट इज नॉर्मल गोल्ड जो कि आप अपने हाथ में एक छोटी सी रिंग पहनते हैं या कोई इयररिंग पहनते हैं या कुछ भी आप जो देखते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। और अगर मैं वही बात करूं गोल्ड की कि अगर मैं उसे नैनो स्केल पे ले जाता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट डिपेंड्स कि आप उसको 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में कहां उसकी रेंज रख रहे हैं, ठीक है। तो यानी किस रेंज में अगर आप उसे रख रहे हैं तो वही डिपेंड करता है कि आपका जो नैनो जो गोल्ड का जो कलर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप उसका साइज चेंज करना स्टार्ट करेंगे, यानी आपने क्या करा आप उसको बिल्कुल क्या कर रहे हैं छोटा करते जा रहे हैं छोटा करते जा रहे हैं, तो एट द एंड क्या होगा आप जब आपका 100 नैनोमीटर आएगा यानी वो साइज जो है गोल्ड का वो क्या हो 100 नैनोमीटर का होगा तो वो क्या होगा एक डिफरेंट कलर शो करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही आप उसको और ज्यादा छोटा करना स्टार्ट करेंगे यानी 100 से उसे 1 नैनोमीटर तक ले जाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसका कलर जो होगा डिफरेंट शो करना कर देगा, जैसे ऑरेंज हो गया पर्पल हो गया या ग्रीन हो गया। दैट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द शेप ऑफ द पार्टिकल क्योंकि उसका शेप क्या है और इसका बेसिक साइज क्या है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें हम देख नहीं सकते लेकिन ये चीजें ऑब्जर्व करी गई हैं। किस तरीके से ऑब्जर्व करी गई हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग माइक्रोस्कोप है तो वो क्या कर सकता है इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है और इवन इन चीजों को देख भी सकता है कि किस तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कोई भी हमारा पार्टिकल जिसको अगर हम नैनो स्केल पे ले जाते हैं तो किस तरीके से वो अपना कलर यानी चेंज करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके अलावा बेसिकली क्या है, नैनो इज आल्सो कैटलिस्ट विद व्हेन इन दिस साइज रिज्यूम बट केमिकली इनर्ट एट द माइक्रो एंड मैक्रो स्केल। कहने का मतलब है बेसिकली ये चीज बहुत नॉर्मल देखी भी गई है बहुत सारे मटेरियल्स में कि जब हमारा कोई भी इनर्ट गैस है या इनर्ट यानी बेसिकली वो रिएक्टिव नहीं होती, जैसे आपकी हीलियम है या आपकी इस तरीके की जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं इनर्ट होती हैं यानी वो किसी भी अदर मटेरियल से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि अगर रिएक्शन होगा तो वो केमिकली न्यू कॉम्पोनेंट बना देगा, तो यानी उसी की वजह से ही क्या होता है कि आपका गोल्ड के ऊपर कभी भी रस्ट नहीं जमता, और जबकि आयरन पर अगर आप देखते हैं तो उस पर रस्ट जम जाता है क्योंकि वो इनर्ट नहीं है और इनर्ट का मतलब ही यही है कि वो दूसरी चीज़ों से रिएक्ट जाता है तो इस वजह से उस पर रस जम जाता है, ठीक है। और अगर आपने कभी देखा हो कि गोल्ड पे अगर कोई रस जम रहा है दैट मींस उसके अंदर कुछ एडिशनल मटेरियल डाला गया है तो उसकी वजह से क्या हुआ है उसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया, अदरवाइज गोल्ड के ऊपर कोई कभी भी आपका कोई किसी भी तरीके का रस्ट नहीं जमता यानी उसके ऊपर कोई अलग से डिफरेंट कलर नहीं आएगा वो हमेशा येलो ही रहेगा। लेकिन जब इनको हम नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं यानी उनको छोटा छोटा बना देते हैं नैनो साइज पे भेज देते हैं तो इट बिकम कैटलिस्ट, और जब कैटलिस्ट कोई भी चीज़ होती है तो इट इज़ हाईली रिएक्टिव भी होता है और क्या होता है एट द एंड वो अपने आप को उसी तरीके से यानी जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं तो वो क्या करता है रिएक्शंस को बहुत फास्ट भी कर देता है और ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो बाय प्रोडक्ट होता है वो गोल्ड एज इट इज रहता है और एक हमारा जो एक्चुअल केमिकल हमारे को जरूरत होती है वो भी बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है हमारा ये जो हमारा नैनो स्केल जो है वो क्या कर रहा है हमारी चीजों को चेंज करता है, यानी जब हम किसी भी मटेरियल को नैनो स्केल पे ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर लिखा है कि व्हेन द पार्टिकल साइजेस आर रिड्यूस्ड टू नैनो स्केल द रेशियो ऑफ साइज सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्रामेटिकली। कहने का मतलब है कि जब आप बेसिकली क्या है अगर आप एक बॉल है, ठीक है, अगर आप उस बॉल को क्या कर रहे हैं उसका जो एरिया है और उसका जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करते हैं और उनको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं तो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन वहीं अगर मैं क्या करूं बेसिकली अगर मैं वही बॉल को छोटी यानी नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दूँ यानी नैनो बॉल्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या होगा उसका सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, सरफेस एरिया क्या है यानी उसका बॉल का आउटर एरिया, और वॉल्यूम क्या है यानी उसका जो कितना वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है एक पर्टिकुलर हमारे नियर बाय स्पेस में वो तो हमेशा सेम रहेगा लेकिन जो सरफेस एरिया जो होगा तो क्या होगा ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट क्या देखने को मिलता है कि इट बिकम्स रिएक्टिव, ठीक है, और क्या करता है कि वो रिएक्शंस को बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाती हैं चीजें, यानी अगर कोई मटेरियल क्या होगा जिनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जब बढ़ जाता है नैनो स्केल पे तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिएक्शंस को इंप्रूव कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं और इतनी फास्ट हो जाती है कि जो रिएक्शन अगर 10 मिनट में होनी होती है वो कुछ सेकंडों में हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे जो नैनो मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से क्या करते हैं हमारी चीजों को बहुत ज्यादा आसान भी कर देते हैं और उनके काफी ज्यादा
काफ़ी सारे कंसर्न्स भी हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि जो आपका मैनी जो केमिकल रिएक्शंस है दैट कैन बी इंक्रीज। तो इसीलिए जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, मतलब जो केमिकल फील्ड में जो साइंटिस्ट हैं जिनका काम ही क्या है ड्रग्स बनाना या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केमिकल्स को यूज़ करना, जैसे कि अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स है या आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए ऑयल्स बनाने हैं या ग्रीस बनानी है, तो ये सारे क्या है केमिकल्स है जस्ट फॉर एग्जाम्पल में। उसके अलावा दुनिया जहाँ के केमिकल्स होते हैं, तो नैनो मटीरियल्स क्या कर सकते हैं उनकी रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं केमिकल्स के, वो किसी ना किसी रिएक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं। और अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम नैनो मटीरियल पर ले जाएंगे, नैनो स्केल पर ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसकी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो जो प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन मीन्स कि भाई अगर एक दिन में 100 टन का कोई प्रोडक्ट बन पाता है तो वो क्या होगा, वो 1000-10,000 टन का प्रोडक्ट बन पाएगा डेली बेसिस पे। तो इस तरीके से क्या करा जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं इवन, और उससे क्या होगा हमारी कॉस्ट जो होगी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल चेंजेस व्हेन दे आर अल्ट्रासमोल्ड, और क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, उसकी हार्डनेस में चेंज आ जाता है। हार्डनेस का मतलब ही यही है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर मैं बात करूँ कि एक सिंपल सा जो नैनो मटीरियल होता है, और एक वो अगर मैं बात करूँ, अगर आपने कभी देखा हो तो जो हाइएस्ट यानी अभी तक का जो सबसे आपकी नज़रों में कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है और यानी सबसे ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, और आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि आपको कहाँ तक आप सोच रहे हैं कि कौन सा मटेरियल अभी तक का हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो बाद में उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से मटेरियल जो सबसे हार्डेस्ट हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम आपके नैनो साइंस का यूज़ करके कौन सा ऐसा मटेरियल है जो अभी तक का हार्ड बनाया गया है और उसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं या कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ, कि अगर गोल्ड की मैं बात करता हूँ, तो गोल्ड था पहले इनर्ट था, लेकिन अगर उसको हम नैनो स्केल पे ले जाते हैं यानी उसको बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो छोटा करने के लिए आप घर पे क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो पाउडर फॉर्म भी कितनी होती है, दैट इज इन माइक्रोमीटर, और वो भी कितना 100 to 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, लेकिन हमें कितना जाना है, नैनो स्केल पे जाना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, हमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, यानी एक पर्टिकुलर मशीन्स हैं कुछ, उन्हीं के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को नैनो स्केल पे ले जा सकते हैं, अदरवाइज हम डेली लाइफ में उन चीजों को नहीं ले जा सकते। अगर हम हमारे अगर होता अगर, वैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में उनका यूज जरूर करते हैं और हमें पता भी नहीं होगा कि वो एक्चुअल में क्या है, वो नैनो स्केल पे ही चीजें काम हो रही हैं। ठीक है, बस वो क्या है हमारे डेली लाइफ में इस तरीके से चल रही है कि हमें उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, वही क्या होते हैं ऑटोमेटिकली उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी अगर कोई मटेरियल जो है, अगर हम आपको पता होगा कि हाईली कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है अभी तक का, कॉपर। ठीक है, उसके बाद उससे पहले जो है अदर जो है दैट इज द सिल्वर एंड अदर गोल्ड भी कंसीडर, बेसिकली गोल्ड तो बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो जो हमारे ये जो नॉर्मल डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज करे जाते हैं दैट इज कॉपर, और अगर हम कॉपर की बात करें तो वो भी क्या है इन नैनो मटेरियल कंपैरिजन में इतना कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि जो रेजिस्ट ना करे, कम से कम रेजिस्ट करे, रेजिस्टेंस मींस कि किसी चीज में रुकावट ना डाले। जब हमारा करंट फ्लो करता है किसी वायर से तो उसमें क्या होता है, हर एक मटेरियल क्या करता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डालता है। तो जब रेजिस्टेंस डालता है तो उसको क्या जरूरी होता है कि वो कम से कम रेजिस्टेंस डालेगा तो हमारा पावर का लॉस कम होता है। ठीक है, तो जो हमारे नैनो मटेरियल्स होते हैं उनका जो पावर का लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्रैक रेजिस्टेंस होते हैं, और उसके साथ साथ इनका क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, बिल्कुल आपका यानी इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है दैट इज़ द क्वांटम प्रॉपर्टीज़। क्यों, क्वांटम इज़ बेसिकली वर्ड, जब हम मैंने बताया था जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते थे करी थी हमने, तो हमने पढ़ा था उसमें किसके बारे में, आपके फोटोन्स के बारे में, बिट्स के बारे में, और बिट्स बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी किस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, यानी वो किस तरीके से अपने नॉर्मल लेवल से क्या कर रहे हैं एक्साइटेड लेवल पर जा रहे हैं, तो दैट इज वी कॉल्ड क्वांटम इफेक्ट्स। ठीक है, जो कि किस लेवल पे होते हैं आपके जो एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं नैनोमीटर की तो यहां पर भी हमें क्या मिलता है, क्वांटम इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो
उन्हीं क्वांटम इफेक्ट्स का यूज करके हम क्या कर पाए हैं, क्वांटम डॉट्स को बनाए पाए हैं, और उन्हीं क्वांटम डॉट्स का यूज करके हम क्या कर पाए हैं, QLED का यूज कर पा रहे हैं, जो कि आप डेली लाइफ में, जिनको आपने डेली लाइफ में देखा है और आपको पता है कि QLEDs और OLEDs जो होती हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और बहुत माना कि आज के टाइम में ये थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन धीरे 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 जब इनकी चीज़ों में डेवलपमेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, डेली लाइफ में यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम इनको डेली लाइफ में नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं ये चीज़ें, और हमारे साथ साथ क्या क्या है कि इसको हम मैनमेड यानी बना भी सकते हैं। अगर हम बात करें मिल्क में और उसके साथ साथ जो क्ले होती है या जो वॉल्केनिक एशेस होती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, नैनो मटेरियल ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो वहां पर क्या है, वही नैनो मटेरियल क्या करते हैं, अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे मिल्क में भी हमारे नैनो मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो इतने ज्यादा स्मॉल है कि उनको हम नॉर्मल आइज से देख ही नहीं सकते। और अगर हम बात करें उनको, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो डेफिनेटली हम चीजें देख पाएंगे। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, उनका जो अभी बेसिकली उनका जो बेनिफिट है, हम कहां का यूज कर पाए हैं, यहां पर मैं जब अभी हम आगे देखने वाले हैं कि उनका कैसे यूज होता है, उनका यूज हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में, मेडिकल में और अदर चीजों में भी करा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा नैनो मटेरियल का यूज कर सकते हैं और नॉर्मल चीजें, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो नैनो स्केल का मतलब ही क्या है कि हम उसको इतने स्मॉल लेवल पे ले जा रहे हैं। ठीक है, और उसको उतने ज़्यादा स्मॉल लेवल पे ले जाने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आ रहा है और उस प्रॉपर्टीज़ के चेंज आने से किस तरीके से हमारे लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल हो सकते हैं, उन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो रिसर्चर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना जान गए हैं और उनके बेसिस पे क्या है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब इनके मेन बेनिफिट्स क्या हैं, कि यानी बेनिफिट्स मीन्स कि किस तरीके से उनको अभी भी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारा बेसिकली व्हाट बेनिफिट्स इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज अवर शर्ट। ठीक है, इस शर्ट में भी क्या है, हमारे नैनो मटेरियल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल नैनो मटेरियल्स। ठीक है, जिनका हम डेली लाइफ में, अगर हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट नहीं डालेंगे, अगर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डैमेजिंग होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास जो मटेरियल है यानी जो फैब्रिक होता है वो किस बेस पे बनाया जाता है, नैनो स्केल पे, यानी इसमें कुछ नैनो मटेरियल्स ऐड जाते हैं। यानी जब हमारा कॉटन जो फैब्रिक होता है, यानी जिस तरीके जो भी फैब्रिक होता है उसमें हम क्या करते हैं, नैनो मटेरियल्स को ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो हमारे लिए कुछ नई चीजें सामने रख देता है एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं, नैनो स्केल एडिटिव्स टू और सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ द फैब्रिक कैन प्रोवाइड द लाइट वेट बैलिस्टिक एनर्जी डिफ्लेक्शन इन पर्सन बॉडी आर्मर। ठीक है, तो क्या कर सकता है ये, हमारा आपका लाइट वेट बैलिस्टिक एनर्जी डिफ्लेक्शन कर सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब भी यही है कि अगर नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं, अगर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि वो क्या करते हैं, गर्मी होने के बावजूद अगर आप धूप में भी जाएंगे तो आपको धूप बिल्कुल भी नहीं लगती और आपको पता भी नहीं लगेगा कि धूप एक्चुअल में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर शर्ट पे या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर फैब्रिक पे नैनो मटेरियल की कोटिंग कह लो या नैनो मटेरियल के साथ उनकी रिएक्शंस कर रखी होती है। और उनकी प्रॉपर्टीज ही होती है कि वो आपकी जो बेसिकली जो सन रेज होती हैं उनको आपके अंदर यानी सन रेज को एब्जॉर्ब ही नहीं करने देती, और उससे क्या होता है, वो बेसिकली लाइट क्या करती हैं, आती हैं और उससे रिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है आपको उन चीजों की वजह से गर्मी ही नहीं लगती। और उसके साथ साथ क्या है, हम उनका बेसिकली, और उस तरीके की जो शर्ट्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं, एंटी माइक्रोबियल हो सकती हैं, सेल्फ क्लीनिंग होती है, यानी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कभी डस्ट जमती ही नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, जैसे ऐसे साफ करा हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें जो नैनो मटेरियल होता है उनकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हम उसका डेली लाइफ, जैसे अगर हम बात करें कैमराज हैं या जो हमारे, अगर हम ग्लासेस की बात करें, अगर मैं जैसे नॉर्मल ग्लासेस की बात करूं तो इसमें क्या होती है, कुछ कोटिंग होती है, जैसे अगर आपने सुना होगा ब्लू रे कोटिंग या एंटी ग्लेयर कोटिंग, तो ये सारी कोटिंग ही क्या है, दीज आर द नैनो मटेरियल्स। और उसके अलावा और भी बहुत सारी कोटिंग, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोटिंग होती है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, जो आपके ग्लासेस हैं उनको क्या कर सकते हैं, एंटी
माइक्रोबियल बनाया जा सकता है, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, आते हैं और इमेज वहीं पर ही डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, यानी वो क्या करते हैं, उधर उनकी डेथ हो जाती है और वो उधर से अपने आप ही साफ हो जाते हैं, नीचे निकल जाते हैं, तो यानी वो ग्लासेस पे चिपकते ही नहीं है उनका। जो उस तरीके के जो ग्लासेस होते हैं बहुत सारी जगह यूज़ करा जाता है, कंप्यूटर्स में या आपके मोबाइल फ़ोन में, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, ये एंटी फॉग वाले होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एंटी रेजिस्टेंस होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आवर बेनिफिट्स ऑफ आवर नैनो मटीरियल विच वी आर एक्चुअली यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है एक्चुअल में ये किस तरीके से काम कर रहा है, हमें तो बस ये पता है कि अगर मैं अपने ग्लास की बात करूँ तो हमें ये पता है कि दिस इज वॉट, दिस इज एंटी ग्लेयर और ब्लू रे कोटिंग इसमें लगी हुई है, ठीक है, दैट इज सिंपल, ठीक है, हमें ये पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में ये किस वजह से लगे। दीज आर जस्ट वॉट, दीज आर जस्ट आवर नैनो मटीरियल। तो ये नैनो मटीरियल ही होते हैं एक्चुअल में, जो कि हमारे को इस तरीके की उनकी इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टीज ही हम क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके ही हम अपनी डेली लाइफ में उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नॉर्मल अगर देखें तो हमारे स्मार्ट फैब्रिक्स होते हैं, उन स्मार्ट फैब्रिक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं, एनर्जी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लाइट वेट जो कार्स हैं या एयरप्लेन्स हैं, तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में यूज करा जाता है। यानी अगर मैं लाइट वेट की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं कि जो आपकी अब नई जो डिफरेंट डिफरेंट कार्स आ रही हैं वो क्या होती हैं, लाइट वेट भी होती हैं और बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, आपकी स्ट्रांग होती हैं। उसका रीज़न ही यही है कि वो जो कार्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, या जो डिफरेंट आपकी मटेरियल से जो बनी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, नैनो मटेरियल बेस्ड होती हैं, और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहती है, और उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू अवर नॉर्मल मटेरियल। लेकिन अभी उन चीज़ों को बनाने में और उन चीज़ों को एक्चुअल में डेली लाइफ में लाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उस तरीके की जो कार्स हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, यानी एक जो बहुत ज़्यादा रिच जो पर्सन है कह सकते हो, या जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी है वो जो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं वो ईजिली उनको ले सकते हैं, लेकिन डेली लाइफ में या अगर नॉर्मल लाइफ की मैं बात करूं, जो डेली लाइफ में वो कार्स नजर आते हैं तो वो वैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी कुछ चेंज आ चुका है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाकर बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इनकी बेसिक डेली डे टू डे लाइफ यानी एप्लीकेशन। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इनका एंजाइम्स में यूज़ करा जा सकता है, एंजाइम्स बनाने में, ठीक है, यानी उन एंजाइम्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वुड्स का जो वुड के थ्रू जो वुड का सेलुलोज होता है उससे हम चिप्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो कोटिंग होती है वो क्या होती है, वियर रेजिस्टेंस कोटिंग होती है। उसके अलावा जो हम उसका यूज किस लिए कर सकते हैं, इंजन ऑयल्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कैस्ट्रोल, जैसे एक एग्जांपल देके मैं दे रहा हूं कि जो कैस्ट्रोल का जो इंजन होता है उसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट रहती है कि ये है वो है ये है वो है, तो वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनके अंदर जो क्या होता है, नैनो मटेरियल्स होते हैं और वो हमारे इंजन की लाइफ को इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारी सारे जो डे टू डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ करा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर पहले अगर हम बात करें तो पहले हमारे कंप्यूटर, जैसे कि हमने कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करा था, हमने कंप्यूटर देखे थे तो वो क्या थे, बड़े बड़े साइज़ के होते थे, और आज के टाइम में हम अपने कंप्यूटर अपने हाथ में लेकर चलते हैं, दैट इज़ योर सेलफोन। अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसमें जब आप सेलफोन को लेने जाते हैं तो होता क्या है, उसमें आपने देखते हैं ना, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, कितना 2.5 GHz, ये वो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, दीज आर प्रोसेसर, वो भी प्रोसेसर है और वही क्या है, जो आपके लैपटॉप में जो प्रोसेसर होते हैं वो भी प्रोसेसर है, बस दोनों का थोड़ा काम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके फोन में बहुत सारी चीजें जो काम नहीं हो सकते लेकिन लैपटॉप में हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उनका काम प्रोसेसिंग ही करना ही है। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें कंप्यूटर ही है, और उनका कैसे यूज हो पाया है, क्योंकि हमने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को क्या करा है, छोटे छोटे नैनो चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। और इवन एक ऐसा टाइम आएगा आने वाले टाइम में कि हम क्या कर पाएंगे, उन फोन्स का यूज करके यानी उन चीजों को हम क्या कर पाएंगे, और भी ज्यादा छोटा कर पाएंगे, और हमारे जितना भी डेटा है या प्रोसेस करना है, हमें कुछ भी करना है, तो उनका उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर पाएंगे, और भी ज्यादा फास्ट भी चीजें फास्ट भी हो जाएंगी और भी ज्यादा स्मूथ और लाइट वेट भी हो जाएंगी, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली जाएगी, ठीक है। तो जब अब इसकी बात करते हैं नैनो साइंस की, तो जो सबसे पहला जो हमारा
ट्रांजिस्टर बना था दैट वाज 130 टू 250 नैनोमीटर्स का, जो कि सबसे ज़्यादा छोटा था। उसके बाद इंटेल ने क्या करा, 2014 में आपका 14 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर बनाया। ट्रांजिस्टर आपको बताया था मैंने, ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होते हैं, जो कि हमारे हमने जब जनरेशन पढ़ी थी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें हमने क्या करा था, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली आपकी इट इज़ द बेसिकली थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, और जो आगे आने वाले टाइम में हमारी जो जनरेशन थी वो भी उसी के बेस पे बनाई गई थी, और उसमें थोड़े से चेंजेस लाके हमने उसको इंटीग्रेटेड चिप में कन्वर्ट करा था। उसके बाद जो हमारे आपके IBM है, उसने 7 मीटर का क्या बनाया था, ट्रांजिस्टर बनाया था इन 2015। उसके बाद लॉरेंस बर्कले लैब ने क्या बना, 1 नैनोमीटर का क्या करा था, आपका ट्रांजिस्टर बनाया था। और व्हाट इज ट्रांजिस्टर, बेसिकली व्हाट इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और वही कंपोनेंट हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे डिफरेंट हमारी कंप्यूटर में, या आपकी मैं बात करूँ मोबाइल फ़ोन में, या डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। और वही डिवाइसेस क्यों इतनी छोटी जा रही है, क्योंकि आप देख जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनका साइज छोटा होता जा रहा है। क्यों छोटा जाता जा रहा है, क्योंकि हम आज के टाइम में नैनोमीटर पे जा रहे हैं। नैनोमीटर का मतलब क्या है, हम अपने साइजेस को छोटा करता जा रहे हैं, और जो छोटा करने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ उतनी ही ज़्यादा फास्ट भी हो रही है, और उतनी ज़्यादा इफेक्टिव भी हो रही है, और वो चीज़ें लाइट वेट भी होती जा रही हैं। तो इसी वजह से क्या है, हम उनका डेली लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इनकी अदर एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक एक्सेस मेमोरी जो है आपकी, मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि हम डेली लाइफ में रैम यूज़ करते हैं, और आने वाले टाइम में हम मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज़ करेंगे। और जो कि बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, तो उनमें इस तरीके की ही जो रैम लगी होती है। और उनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, दे कैन बूट अवर सिस्टम वेरी इंस्टेंटली, यानी अगर आप बस बटन ऑन करना है और आपका सिस्टम स्टार्ट, इस तरीके से वो क्या होती है, उनकी बूटिंग हो जाती है। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्लेज एंड टेलीविजन्स आर नाउ बीइंग सोल्ड दैट यूज क्वांटम डॉट टू प्रोड्यूस मोर वाइब्रेंट कलर्स एंड, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली जो हमारे डिफरेंट जो हमारी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो क्वांटम डॉट्स का यूज करती हैं, ठीक है, वहां पर QLEDs जिसकी हमने बात करी थी, ठीक, तो वो सारी जो QLEDs हैं वो किस पे बेस बनी है हमारी, वो हमारे इन्हीं चीज़ों पे ही बनी है, ठीक है। उसके अलावा हम मेडिकल में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली जैसे कि हमने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की बात करी थी, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स देखा गया है कि वो क्या कर सकते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम उनका यूज़ कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी देखा गया है, और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बेटर इमेजिंग और डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए इनका यूज़ करा जा सकता है। तो जिससे क्या बेनिफिट रहता है कि हम चीज़ों को पहले से ही देख सकते हैं। देखने का मतलब क्या है कि अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इमेजिंग रहेगी, यानी इमेजिंग का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं MRI हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया, तो दीज आर द इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और जिनका यूज हम मेडिकल साइंस में करते हैं अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, कि अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी अंदर के हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं या कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो और नैनो साइंस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उनका डिफरेंट टाइप की डिसीजेस को, आई मीन उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी डायग्नोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ बेसिकली अगर हम बात करें कि जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है, उनका भी क्या कर सकते हैं, हम उनको जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर, हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल जनरेट होते हैं, एक गुड होता है एक बैड होता है, और जो गुड होता है उसको क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, और वो क्या करता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो वो जो हमारे नैनो साइंस मटेरियल है, ठीक है, नैनो मटेरियल है, उनका यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के मटेरियल को बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम जीन एडिटिंग की डेवलपमेंट में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कैन एनकैप्सुलेट और अदरवाइज help to deliver medicine directly to the cancer cell and minimize the risk of damage to healthy issues, जैसे कि मैंने बताया कि targeted delivery drug, तो वो उसका मतलब ही यही है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो नैनो मटेरियल है उसके यूज करके हम एक पर्टिकुलर जहां पर कैंसर है एक्चुअल में, हम वहीं पर ही क्या करें, अदरवाइज अगर हमें कैंसर की ट्रीटमेंट, हमारे को जो आपने सुना होगा नॉर्मल डेली लाइफ में, वो क्या होती है, कैमोथेरेपी, ठीक है। अब उस कैमोथेरेपी में क्या होता है, हमारे हेल्दी टिश्यूज भी क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, लेकिन नैनो मटेरियल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं, से क्या होगा, जहां पर एक्चुअल में कैंसर है उसी को डैमेज करा जाए, और जो बाकी के जो एरिया जो है हमारा, यानी बाकी के जो हेल्दी टिश्यूज हैं, वो क्या हो, आपके इफेक्ट ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल देकर कि अगर मेरा ये क्या है, आपका क्या है, आपका ये जो आपका कैंसर है, और जो अदर जो एरियाज हैं वो क्या है, आपके यहां पर
हेल्दी टिश्यूज़ हैं। तो जो हमारा नैनो मटेरियल है उसका हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करके हम इसी चीज़ को सिर्फ डैमेज कर सकते हैं, और जो बाकी जो आउटर एरिया है यानी जो हमारे हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इनका बोन्स को बनाने में, जैसे कि आपको पता है आपका इन चीज़ों का यूज़ हम बोन्स की जो रिकवरी करने के लिए और साथ साथ टीथ्स की रिकवरी करने के लिए भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ग्रेफीन को क्या कर सकते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ ग्रेफीन, जब हम नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जरूर देखेंगे कि ग्रेफीन क्या होता है। उसके अलावा हम और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च पर्पस के लिए हम इसका नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसका एनर्जी एप्लीकेशन है, एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोरेज के लिए, क्योंकि नई नई बैटरीज बनती हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से जो बैटरीज बनाई जा रही हैं वो नैनो बेस्ड हैं, ठीक है। और यानी अगर मैं बात करूँ ग्रेफीन की, उसी का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बैटरी बना रहे हैं कि जिससे क्या है, जो कि हमारी आप ये कह सकते हो उनको उनकी जो वारंटी कह सकते हो या उनकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इन फ्यूचर अगर हमारी जो हमारे फ्यूल्स हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा, हमारी व्हीकल जो होंगी उतने ही कम ज़्यादा उनमें टीयर एंड वियर रहेगा, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा कि जो हमारा फ्यूल है वो डेफिनेटली क्या रहेगा, उसमें उस फ्यूल में यानी कंजम्पशन की यानी जो कंजम्पशन है वो उतना ही कम होने लगेगा। क्योंकि जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उससे क्या बेनिफिट रहता है कि वो कम फ्यूल बर्न होने पर भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है कोई भी व्हीकल। तो उसी वजह से जब एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी क्या हो रहा है, नैनो साइंस अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम उनका यूज़ ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं नैनो मटेरियल का यूज़ कि भाई कहीं पर जब हम कहीं पर जहाँ पर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कहीं पर उस किसी पाइप में लीकेज तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, तो वो सारी चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, नैनो साइंस का यूज करके जान सकते हैं। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, उनका यूज बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रबर और मेम्ब्रेन के लिए कर सकते हैं, यानी किसके लिए, मेम्ब्रेन टू सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट एग्जॉस्ट, यानी जब हमारे पावर प्लांट से जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो उसको हम एयर में ना जाने दें ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हमारे कुछ मटीरियल्स होते हैं इट एक्ट्स लाइक आवर नेट, नेट यानी जाल की तरह काम करते हैं, और तो वो जाल क्या होते हैं, वो उन जो हमारी एक पर्टिकुलर गैस होती है हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके यानी उनको फिल्टर करके हम क्या कर सकते हैं, बाकी मटीरियल को जाने दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम नैनो मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी एप्लीकेशन में हमारा, मैंने जैसे बताया उनका बैटरी में यूज कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंस है उनका बेसिकली, जैसे कि कार्बन नैनोट्यूब की बात करें तो वो क्या कर सकते हैं, हम उससे हमारा एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा और एनर्जी लॉस भी कम होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम नैनो मटेरियल का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहला आता है एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट यानी जैसे कि हम बात करें एनवायरमेंट का इसका यूज कैसे हो सकता है, क्या एनवायरनमेंट हमारे में पोल्यूटेड हो रहा है, और अगर हम जहाँ पर भी देखते हैं जहाँ पर भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कहीं नियर बाय लेक्स में या कहीं नियर बाय एरिया में कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इन नैनो मटेरियल्स का यूज़ करके हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को यानी उन केमिकल्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं बैक्टीरिया है या कोई हार्मफुल बैक्टीरिया जनरेट हो गया उनमें तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उस नैनो मटेरियल का यूज़ करके उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो आपके नैनो फैब्रिक्स होते हैं दे कैन फ्रॉम टाइनी वायर ऑफ पोटेशियम मैग्नीशियम कैन एब्जॉर्ब 20 टाइम्स इट्स वेट्स इन ऑयल फॉर क्लीनअप एप्लीकेशन, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक वाटर रिपेलेंट नैनो पार्टिकल्स इन ऑयल स्पिल्स एंड यूज मैग्नेट्स टू आपका मैकेनिकली रिमूव द ऑयल फ्रॉम द वाटर, जैसे कि मैंने बताया कि इनका यूज़ बेसिकली इन्हीं पर्पज़ के लिए हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम बात करें कि जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनका यूज़ एज अ फिल्टर्स की फॉर्म में कर सकते हैं। फिल्टर्स मतलब कि अगर हम चाहें तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से रिलीज होती है उसको वहीं पर ही फिल्टर करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं रख सकते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कभी भी एयर में नहीं इन्वॉल्व होगी, यानी कभी भी उनमें नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं, प्योरीफाई इन द सेंस कि उसको अदर जो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड जानी है हम उसको वहां से पहले ही उसको वहां पर जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट के यानी जो एनवायरनमेंट को आपका पोटेंशियली हैजार्ड हो रहा है, हैजार्डियस जो मटेरियल है उनको क्या कर सकते हैं, वहीं पर रोक सकते हैं। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज बेसिकली
आपका ट्रांसपोर्टेशन पर्पस में करा जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे फ्यूल कंजप्शन यानी जो फ्यूल्स हैं अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो व्हीकल्स हैं उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ उनका यूज़ क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमारे जो नैनो सेंसर्स हैं उनका यूज़ करा जा सकता है। बेसिकली उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि हमारे जो सेंसर्स हैं वो हमारे को ये बताएंगे कि हमारे जो ड्राइवर्स होंगे उनको ये आइडिया रहेगा कि कहाँ पर आपका किस तरीके से उनको ड्राइव करना है, कहाँ पर आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं या कहाँ पर आप क्या कर सकते हैं रेड लाइट है तो कहाँ पर किस तरीके से आपको स्टॉपेज लगाना है। तो ये सारी चीज़ों में भी हम क्या कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी अदर फीचर्स हैं जहाँ पर हम इनका ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करा जा सकता है। तो दीज आर बेसिक वर्ड, दीज आर द बेनिफिट। ये तो मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दिया है, उसके अलावा भी नैनो साइंस में बहुत सारी एप्लीकेशन है। और अगर हम डेली लाइफ की बात करूं तो अगर आप सनस्क्रीन लोशन की अगर यूज़ करते हैं, कोई भी अगर यूज़ करता है तो उसमें भी हमारे नैनो मटेरियल्स होते हैं। अगर मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करूं कि बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें छोटे छोटे नैनो मटेरियल्स डाले जाते हैं। अगर आप देखते होंगे तो बहुत सारी ऐसी आपकी एडवर्टाइजमेंट आने लग गई हैं जिसमें क्या शो करते हैं कि समवेयर देयर आर सम नैनो पार्टिकल्स विच एक्चुअली एक्ट्स और जो आपको क्या करते हैं आपके एक पर्टिकुलर स्किन पे जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं और वो एक्चुअल में वो केमिकल नहीं बल्कि छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं और आपकी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करे जाते हैं और उनके एक्चुअल वो प्रॉपर्टीज़ है। और जैसा कि मैंने बताया कि सनस्क्रीन लोशन वो कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वही नैनो पार्टिकल अगर शर्ट के ऊपर लगा दूँ तो क्या करेंगे रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी सन रेज क्या होंगे आपके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगी। वही चीज़ आपका किस में होता है कॉस्मेटिक्स में, यानी आपके सनस्क्रीन लोशन में। जब उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सनस्क्रीन लोशन को आप अपने फेस पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा जो भी रेज आएंगी वो क्या होंगी, वो इतने छोटे आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन वो इतनी छोटी यानी वो जो रेज आएंगी उसको क्या करते हैं कैप्चर करते हैं और रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं, जिससे उसका बेनिफिट क्या रहता है कि वो आपकी स्क्रीन के यानी स्किन के अंदर नहीं जाएगी रेज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं सनस्क्रीन लोशन काम करते हैं। और उनका यूज एक्चुअली किस वजह से हो पा रहा है, आपके नैनो पार्टिकल्स यानी नैनो मटेरियल्स के यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं और वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं जिसका हमें बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल प्रोसेसेस। और टेक्निकल प्रोसेस मींस आपको एक नैनो साइंस में आप जाकर अपनी कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या करना चाहते हैं इंजीनियरिंग या समथिंग लाइक आप कुछ करना चाहते हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, हम बस ये जानेंगे किस तरीके के जो नैनो पार्टिकल्स हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और उनके बारे में थोड़ा बहुत जरूर देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कंसर्न्स क्या है हमारे। बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअल में क्या है, दीज आर नैनो पार्टिकल्स। और ठीक है, कहीं पर कुछ नैनो पार्टिकल्स क्या हाईली रिएक्टिव हैं और कहीं पर क्या है बहुत सारे हाईली स्टेबल हैं, यानी केमिकली रिएक्टिव ही नहीं है। और जब कोई चीज़ केमिकली रिएक्टिव नहीं होती तो उसके क्या डिसएडवांटेज रहते हैं, जब रिएक्टिव नहीं होगी तो हमारे फूड चेन में क्या होगी आके बस जाएगी अंदर। जैसे कि हमारे बहुत सारे केमिकल्स हैं एयर में वो क्या करते हैं चलती रहती है साइकिल, फूड साइकिल चलती रहती है, यानी कोई एक पर्सन दूसरे फूड को खाता है, यानी फूड मतलब इन द सेंस कोई फिश खा रहा है और फिश आगे कुछ खाती है, उस तरीके से क्या हमारा फूड चेन चल रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जहाँ पर नैनो मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है, जैसे कि अगर आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर सनस्क्रीन लोशन को बैन कर दिया गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोरल रीफ को क्या हो रहा है नुकसान पहुँच रहा है, आपने इसके बारे में न्यूज़ में जरूर सुना होगा। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं जिनके एडवांटेज है तो वो कहीं दूसरी चीज़ों के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए उनको वहाँ पर बैन करने के लिए कहा गया है। उसी वो रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं उनकी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं यानी नैनो पार्टिकल की या नैनो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरे यानी कोरल रीफ के लिए क्या है डैमेजिंग है, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि भाई इनको हमें रोकना चाहिए। तो उस तरीके से क्या होता है, व्हेन एक्सपोज टू एनवायरमेंट द नैनो पार्टिकल रिमेन इंटैक्ट और अंडरगो वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लाइक डिसोल्यूशन, या तो डिसॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर, आपका स्पेसिएशन दैट इज द कि वो किसी आयंस के साथ मिल गए या मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो गए तो हमारी चेन आपकी फूड चेन में किसी भी तरीके की चेन में हमेशा ही फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा हमारी इन फ्यूचर जो हमारी चेन होगी, चेन का मतलब ही क्या है कि वो जो चेन एक्चुअल में चलनी थी, यानी कोई अगर मैं साइकिल की बात करूँ कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल जो चलनी थी वो वैसे नहीं चलेगी, उनमें कुछ केमिकल्स ऐड होते जा रहे हैं। और जब केमिकल ऐड्स होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारी कार्बन कहीं ना कहीं, अगर हमारा कार्बन 100% रिसाइकिल होकर वापस आना था वो कहाँ होगा 90%, फिर 70%, फिर 80%, 70%, 60%, तो इस तरीके से क्या होगा वो केमिकल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि
हमारे लिए जरूरी भी है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे लिए बहुत बेकार भी है, और एक्सेस में हो जाए तो वो भी हमारे लिए बेकार है। तो इसलिए उसका एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए कंसर्न्स हैं। उसके अलावा क्या कर सकते, एग्लोमरेशन हो गया या बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपके नैनो पार्टिकल जो हैं, आपके नैनो मटेरियल्स जो हैं, वो क्या है, आप हमारे लिए कंसर्न्स पैदा करते हैं कि भाई अगर इन फ्यूचर ऐसा रहा तो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स, यानी क्या क्या इश्यूज हम फेस कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी क्या क्या इश्यूज फेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनका यूज डेली लाइफ में हर जगह हो रहा है। हर जगह का मतलब आपके खाने से लेकर, आपके पीने से लेकर, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेकर, आपके डेली लाइफ में हर जगह यूज हो रहा है। और यही चीज अगर आगे जाके कोई इशू क्रिएट कर सकती है तो वही चीज हम साइंटिस्ट जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या इशू सामने आते हैं कि भाई वो क्या करते हैं, नैनो जो पार्टिकल्स हैं, जो नैनो मटेरियल है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाते हैं, तो वो हमारे क्या होगा, हमारे साइकिल में रह जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जो फिश वगैरह हैं, वहां पर क्या होते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को, यानी जो हमारे वेस्ट होता है उसको पानी में डाल देते हैं, वो क्या करते हैं, रिवर्स में, लेक्स में या सीज में पहुंच जाते हैं, वहां पर फिश इंपैक्ट रहती है। और फिश एट द एंड क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज में या इनर एरियाज में बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो फिश पे रिलाई करते हैं, या आपके अदर मीट पे, या अदर जो जो आपके इस तरीके के प्रोडक्ट्स उन पे रिलाई करते हैं, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी फूड चेन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ दे कैन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्रोटीन टैंगल्स विच आर सिमिलर टू दोज इन सम डिसीज इंक्लूडिंग ब्रेन डिसीज, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे ब्रेन डिसीज को भी प्रोवोक कर सकते हैं। उसके साथ साथ एयर बोन पार्टिकल माइट कॉज इफेक्ट्स इन द लंग्स बट ऑल्सो ऑन द हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन सिमिलर टू दोज ऑलरेडी नोन फॉर पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन, जैसे कि नॉर्मल पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन जिस तरीके से हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और हमारे हार्ट को इंपैक्ट करता है, उसी तरीके से ये हमारे नैनो पार्टिकल भी क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं। इट माय लीड टू जेनेटिक डैमेज आइदर डायरेक्टली और कॉजिंग बाय इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी बॉडी को भी, यानी हमारे इनर जो हमारी बॉडी है उसको इंपैक्ट कर सकते हैं, हमारे एयर को इंपैक्ट कर सकते हैं, वाटर को तो हम खुद ही इंपैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यही केमिकल क्या कर रहा है, धीरे धीरे पानी में जाता जा रहा है। केमिकल है, या आप कह सकते हो कि बेसिकली नैनो पार्टिकल, एवरीथिंग इज समवेयर इन समवेयर, वो हमारे लिए केमिकल बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हम उसको क्यों केमिकल का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए डैमेजिंग उसके रिजल्ट सामने आने लग जाते हैं, और जब तक वो डैमेजिंग नहीं है तो वो हमारे लिए क्या है, वो अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहां पर हम नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो यही नैनो पार्टिकल्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं, डैमेजिंग भी हो सकते हैं कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे लिए बेसिकली कंसर्न बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका यूज डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता जा रहा है, हमें नहीं पता कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, और आपके हर चीज में नैनो मटेरियल्स का यूज होता आ रहा है और बहुत टाइम से होता आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम अपनी चीजों को अगर हम कोशिश करें तो इन चीजों को क्या कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, कि हमें अपने वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनको हमारे आपकी जो रिवर्स हैं या आपके जो सॉइल है उनमें नहीं फेंकना है, एक पर्टिकुलर डस्टबिन है या एक पर्टिकुलर जो एरिया है जहां पर वो फेंकने के लिए बनाया गया है, ताकि उसको रिसाइकिल करा जा सके, या उसको क्या कर सके, उसको कहीं ऐसी जगह ना जाने दिया जाए जहां की वो हमारे ही पास लौट के आएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि उसका यूज अपने लिए एक पर्टिकुलर बैनर में करना बहुत जरूरी है, और यही चीज हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि उसको किस तरीके से मैनेज करा जाए, और किस तरीके से अगर ये चीजें हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत ज्यादा अगर हमारे लिए डैमेजिंग रही तो उनको क्या होगा, एट द एंड इनको बंद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए कंसर्न्स हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर बेसिकली नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट्स, इट्स कंसर्न्स, और कैसे नैनो टेक्नोलॉजी को हम देख सकते हैं और कैसे हम उसको बेसिकली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे चेंज आते हैं। तो दिस इज नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगली वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मटीरियल्स के बारे में, किस तरीके से जो नैनो मटीरियल है हमारे जो डेली लाइफ में कह सकते हो, या उन जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नैनो मटीरियल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ग्रेफीन हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गए, या फ्लोरीन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।